अच्छा, अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज क्लास 3 की हम क्लास ले रहे हैं। इससे पहले भी मैंने क्लास ली थी, जिसको मैंने असाइनमेंट भी दिया था। जिसने किया हुआ है काइंडली वो मुझे बता दे कि जी मिस मैंने किया हुआ है, और जिसने नहीं किया उसने क्यों नहीं किया वो भी बता दे कि उसने क्यों नहीं किया। अच्छा जी, अब यहाँ देखिए, आपका सबसे पहले तो बेटा आपको ये करना है। मैंने आपको पहले करवाया था रोमन, ठीक है? रोमन का मैंने प्रीवियस टॉपिक करवाया था आपको इस तरह से, ठीक है? रोमन चार्ट आपको बताया था, ठीक है? आपने रोमन के जो है वो चार्ट बताए थे, ठीक है ना? इस तरह से कि ये अवेबिक है, ये रोमन है। वन होगा तो हम इस तरह लिखेंगे, टू होगा तो इस तरह लिखेंगे। ये सब पूरा चार्ट मैंने आपसे कहा था कि आप उतार लें अपनी कॉपी में। अगर आप लोगों ने नहीं उतारा तो मैं आप लोग को दोबारा बता रही हूँ कि आप लोगों ने अपनी न्यू कॉपीज परचेज करनी है। कॉपी परचेज करने के बाद, कॉपी बुक परचेज करने के बाद आपने उसमें मिड टर्म का टाइटल पेज बनाना है। उसके बाद जो है वो आपने उसको में चैप्टर का नेम का टाइटल पेज बनाना है। जो मैं स्लाइड्स दिखा रही होती हूँ वो आपका CW का काम होगा, और जो मैं आपको असाइनमेंट देती हूँ वो आपका HW का काम होगा। क्लियर? अच्छा जी, आपका चैप्टर नंबर 1 नंबर्स है, ठीक है? अच्छा देखिए, मैंने आपको पहले बता दिया था बेटा अवेबिक और रोमन का, ठीक है? ये उसी से रिलेटेड है। अब देखिए, सारा है सेंड अ मैसेज टू हर फ्रेंड आमना। सारा ने अपनी फ्रेंड आमना को एक मैसेज सेंड किया, हेल्प आमना टू सॉल्व दिस मैसेज। लेकिन आमना, आपको जो है वो आमना की हेल्प करनी है इस मैसेज को सॉल्व करने में, ठीक है? इन रोमन नंबर कोड, रिटन इन रोमन नंबर कोड, द कोड इज गिवन बिलो, ठीक है? अच्छा, उसने जो मैसेज भेजा ना, वो मैसेज उसने लिख के नहीं भेजा, एक कोड वर्ड में भेजा है, ठीक है? अक्सर फ्रेंड्स भी बात करती हैं कोड वर्ड में बात करती हैं कि मिस को पता ना चले, अम्मी को पता ना चले, ठीक है ना? तो आप कोड वर्ड में बात करते हो, ठीक है ना? तो सारा ने भी एक कोड में जो है वो आमना को मैसेज सेंड किया। अब हमें जो है वो आमना की हेल्प करनी है, ताकि हम समझ सकें कि सारा ने आमना को क्या मैसेज दिया था, ठीक है ना? अच्छा जी, देखें, ये जो आपका सवाल है बेटा, ये पेज नंबर 5 पे बुक के, ठीक है ना? मैंने यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन आपने जो है वो इसको बुक से भी टैली करना है। इसीलिए कह रही हूँ बार बार बुक लें। अगर मैं इस वक्त समझा रही होती और आप लोग के अपने पास आपकी बुक्स ओपन होती तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाता, ठीक है? अच्छा जी, सारा ने जो कोड दिया वो ये देख दिया है कि 12 बराबर है आर के, 4 बराबर है टी के, ठीक है? अच्छा जी, 16 बराबर है यू के, 5 बराबर है सी के, 19 बराबर है ई के, 3 बराबर है एन के, 8 बराबर है जीरो के ओ के, 15 बराबर है वी के, 17 बराबर है एम के, 13 बराबर है आई के, 9 बराबर है वाई के, और 20 बराबर है एल के। इसका मतलब क्या है कि ये इसके बराबर है, मतलब कि जहां 12 लिखा हुआ आ रहा होगा वहां हम क्या लिख देंगे, आर। जहां 4 लिखा हुआ आ रहा होगा वहां लिख देंगे टी। जहां 16 लिखा हुआ आ रहा होगा वहां लिख देंगे यू, ठीक है? अब आगे जब सॉल्व करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा। अच्छा जी, फर्स्ट चेंज द न्यूमेरल्स इनटू अरेबिक वंस इन योर हेड, देन फाइंड द लेटर दैट मैच ईच न्यूमेरल, राइट द लेटर इन द बॉक्सेस। अच्छा जी, और उसके बाद उसने पता क्या किया, उसने ना इस तरह से उसको ये न्यूमेरल्स वर्ड दे दिए, ठीक है ना? किस में दे दी है, रोमन में दे दी है। अब हम इसको पहले किस में चेंज कर देंगे, अरेबिक में चेंज करेंगे, ठीक है? यानी कि हमारी आम जो 1 2 होती है, ठीक है? तो मैंने उस दिन बताया था कि जो एक्स का निशान होता है किसका निशान होता है बेटा, 10 का। एक्स का निशान किसका होता है, 10 का, ठीक है? उसके बाद जो है वो 10 के अगर आगे आप 1 लगा देंगे तो वो क्या होते रहेंगे, इसमें प्लस होते रहेंगे 10 में, और अगर पीछे 1 लगाएंगे तो क्या होते रहेंगे, माइनस। अब ये 10 है, ठीक है? 10 में उसने 1 1 1 3 1 लगाए, इट्स मीन 10 में जो है वो कितने 1 प्लस किए, 3 1। तो जब 10 में आपने 3 प्लस किया तो वो क्या हो गया, 13। वो क्या हो गया, 13, ठीक है? उसके बाद 10 10 दो 10 है, 10 और 10 कितने हो गए, 20। उसके बाद V का निशान किसका होता है, 5 का। 5 में भी ऐसी होता है कि अगर आप पीछे पीछे करेंगे 1 लगाएंगे तो 5 में से माइनस होते रहेंगे, आगे लगाएंगे तो 5 में से प्लस होते रहेंगे। अब इन्होंने क्या किया, 5 5 में 1 1 1, 5 में 3 1 लगा दिए, यानी कि 5 में 3 प्लस करें तो क्या हो गया, 8। ये निशान है 10 का, ये निशान है 5 का। 10 और 5 को प्लस किया तो कितने होगा, 10 11 12 13 14
15, ठीक है। अच्छा जी, अब ये है 10 का निशान और ये है 1 और 10, यानी कि पहले इन्होंने ये 10 में से 1 को क्या किया, माइनस कर दिया, तो ये कितना हो गया 9, और फिर उस 9 के साथ उन्होंने इस वाले 10 को क्या कर दिया, प्लस कर दिया, तो ये कितना हो गया 10 और 9 19, ठीक है। उसके बाद ये निशान है 10 का, ये निशान है 5 का, 10 और 5 कितने हो गए 15, और 15 में 2 1 प्लस करो तो कितने हो गए 17। इसी तरह ये निशान है 10 का, अब 10 के पीछे 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि 10 में से 1 को इन्होंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, 10 में से 1 गया तो क्या हुआ 9। ये मैंने पिछली क्लास में भी बताया था आप लोग को रोमन का, और ये भी कहा था कि अपने बुक में से दोबारा देख के प्रैक्टिस कीजिएगा। ये है 5, वी वी मतलब 5, अब वी के आगे 31 लगा दिया, इसका मतलब 5 के आगे 3 प्लस कर दिया, तो 5 6 7 8, ये आपका क्या आ गया 8। अब ये निशान है आपका 10 का, ये निशान है आपका V का, और ये निशान है आपका 1 का। 10 में पहले 5 प्लस किया 15, 15 में फिर 1 प्लस किया 16, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया 16। अब ये है 1 1 1 यानी कि 3, तो ये आपका निशान किसका हो गया 3। उसके बाद है 5, 5 में से इन्होंने 1 को क्या कर दिया, माइनस किया, तो यानी कि ये आपका क्या हो गया 5 में से 1 गया तो 4। अब ये क्या है 10, 10 में 1 1 2 प्लस किया, 10 में 2 प्लस किया तो ये क्या हो गया 12, 10 में 2 प्लस किया तो ये क्या हो गया 12, ठीक है। उसके बाद ये 10 है दोबारा ऊपर वाले की तरह, 10 में से जब 1 पीछे लिख दिया इसमें माइनस करेंगे, 10 में से 1 गया तो 9। अच्छा ये तो देखें जो आपको वर्ड्स दिए हुए थे अरेबिक में, ठीक है ना, उसमें रोमन में आपने उसको किसमें चेंज कर दिया, अरेबिक नंबर्स में चेंज कर दिया, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि अब इन नंबर्स को चेंज करने के बाद आपको जो कोड दिया गया है, ठीक है, आपको उस कोड के साथ इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब कोड क्या दिया हुआ था, कोड दिया हुआ ये, ठीक है, कोड में देखो। अच्छा यहाँ पे सबसे पहले देखें आपके पास क्या नंबर आया 13, क्या नंबर आया 13। अब कोड में जरा देखते हैं 13 कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 13 मीन्स आई, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया आई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 20, अब कोड में देखते हैं 20 मतलब L, 20 मीन्स L, तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया L, क्या लिख दिया L। उसके बाद क्या है 20 के बाद 8, कोड में देखते हैं 8 कहाँ है, ये रहा 8 मतलब O, 8 मतलब O, आपने यहाँ पे क्या लिख दिया O। जैसे जैसे चलते जा रहे हैं नंबर्स, और नंबर्स के लिहाज से कोड में देखने, फिर कोड के बाद हम उसको अलग से लिखेंगे। अब क्या है 15, बैक करेंगे कोड में, 15 पे क्या आ रहा है V, 15 पे क्या आ रहा है V, यानी कि आप O के बाद क्या लिख देंगे यहाँ पे V, क्या लिख देंगे V। उसके बाद है 19, क्या है बेटा 19, 19 कहाँ पे, ये रहा 19, 19 का मतलब क्या है, 19 का कोड वर्ड क्या था E, क्या था E, तो आपने क्या लिख दिया यहाँ पे E। अब है बारी 17 की, अच्छा जी 17 17 17, ये रहा 17 मतलब M, 17 means M, ठीक है, तो आपने 17 की जगह क्या लिख दिया यहाँ पे M। उसके बाद आखिर में 9 है, 9 means, अब कोड में देखेंगे तो पता चलेगा हमें 9 9 9 9, ढूंढे ढूंढे आप लोग भी ढूंढे मेरे साथ, ये रहा 9 9 मतलब Y, 9 means Y, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया बेटा Y, ठीक है। अच्छा अब नीचे आइए 5 5 का कोड वर्ड क्या है, 5 means C, तो हमने क्या लिख दिया C। फिर है 8 8 means O, तो हमने लिख दिया यहाँ पे O। फिर है 16 16 means U, तो हमने यहाँ पे लिख दिया U। उसके बाद है N N N N नहीं सॉरी, उसके बाद है 16 के बाद है 3, पहले हम 3 ढूंढेंगे, 3 3 3 means N, तो हमने क्या लिख दिया N। उसके बाद है 4, तो 4 में था T, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे T। उसके बाद है 12, 12 के साथ क्या था R, तो हमने क्या लिख दिया R। और आखिर में यहाँ पे देखें Y, 9 था, तो 9 का क्या आ रहा है Y, तो हमने क्या लिख दिया Y।
तो अभी क्या बना, आई एल ओ वी ई आई लव एम वाई, माई आई लव माई सी ओ यू एन टी आर वाई कंट्री, आई लव माई कंट्री। ओ हमने पहचान लिया कि सारा ने जो है वो आमना को क्या मैसेज किया है, सारा ने आमना को मैसेज किया था कि वो अपने कंट्री अपने मुल्क से प्यार करती है। ठीक है, कैसा लगा आपको? ये गेम भी है, ये एक्टिविटी भी है। ठीक है, इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, अच्छा ठीक है ये तो मैंने सॉल्व किया हुआ है, लेकिन ये बुक के पेज नंबर 5 पे है। जब आप लोग बुक खोलेंगे तो आप लोग मेरी वाली वीडियो नहीं देखेंगे, आपको मैंने करना सिखा दिया। आप अपने सामने कॉपीज रखेंगे, अपना क्वेश्चन उतारेंगे, उसके बाद जो पहले रोमन नंबर्स दिए हुए इनको आप लोग अरेबिक में लिखोगे, अरेबिक में लिखने के बाद आप यहाँ से कोड ढूंढेंगे और फिर कोड को आप पूरा करके आई लव माई कंट्री ऐसे लिखेंगे। अब इसको खूबसूरत सा प्यारा सा काम करिएगा, कलर से लिखिएगा कंट्री, चाहे तो छोटा सा फ्लैग बना दें ताकि पता चल जाए कि आपका कौन सा कंट्री, आपको कौन सा कंट्री से जो है वो प्यार है। ठीक है ना, ये काम मुझे करके दिखाइएगा आप लोग लाजमी, बहुत प्यारा सा। अच्छा जी, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। राइट द नंबर्स दैट मैच ईच नेम, हमें वो नंबर्स लिखने हैं जो हर नेम को मैच करते हैं। अच्छा मैं आप लोग को एक मतलब बेटा वो दिखा दूं, अगर आप लोग को परेशानी हो रही है तो देखें ये मैं अपनी पुरानी वीडियो भी ऑन कर रही हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग इसको भी मैं थोड़ी देर स्क्रीन पे रख रही हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो बेटा मसला ना हो। ठीक है, ठीक है, ताकि आप लोग को मसला नहीं हो। देखिए वन जो है वो क्या है, वन इस तरह लिखते हैं कैपिटल आई की तरह, टू मतलब दो कैपिटल आई, थ्री मतलब तीन कैपिटल आई, फोर मतलब पहले आप फाइव देखें, फाइव का मतलब क्या होता है वी, अगर आपने वी के पीछे एक वन लगाया तो वी में से माइनस हो जाएगा इनके फाइव में से, और अगर आगे लगाया तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने वी के बैक साइड पे लगाया तो ये क्या हो गया, एक वन माइनस हो गया तो फोर हो गया। ठीक है, फिर वी एसी का एसी आ गया फाइव, फिर फाइव में आपने वन प्लस किया तो ये क्या हो गया सिक्स, फिर फाइव में आपने दो वन प्लस किए तो ये क्या हो गया सेवन, फाइव में आपने तीन वन प्लस किए तो ये क्या हो गया एट। ठीक है, और फिर नाइन, नाइन से पहले टेन देख लीजिएगा, टेन का साइन क्या होता है कट का, ठीक है, कट यानी के क्रॉस का निशान। ठीक है, अब इसी के अगर आप पीछे 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 चलते जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो आपके जो है वो उसमें से माइनस होते रहेंगे। ठीक है ना, यानी कि अब 10 में से हमने 1 माइनस किया तो ये हमारा क्या हो गया 9, 10 में से 1 माइनस किया तो ये क्या हो गया 9। ठीक है, और अगर इसके आगे हम देखते जाएंगे तो वो क्या होगा, इस तरह से फिर ये प्लस होते रहेंगे, यानी कि 10 के आगे 1 लगाया तो ये क्या हो गया, 10 में 1 प्लस किया 11, 10 में 2 प्लस किया तो 12, 10 में 3 प्लस किया तो 13, अब 10 है, अब पीछे देखिए ये 4 लिखा हुआ था इसी तरह। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे 10 के आगे 4 आ गया तो ये क्या हो गया 10 4 14, 10 5 15, 10 6 16, 10 7 17, ऐसी 18 19 चलता जाएगा। अगर आप लोग ये खाली 1 से लेके 9 तक देख लें तो आपकी बाकी रोमन करना बहुत इजी होगी। ठीक है ना, 20 21 25 28 30, 20 होगा तो 2 10 2 x लगा देंगे कट का निशान, 30 होगा तो 3 कट के निशान लगा देंगे। ठीक है ना, अच्छा उसके बाद मैंने ये आप लोगों को होमवर्क दिया था, मुझे नहीं पता आप लोगों ने होमवर्क किया नहीं किया, क्योंकि मेरे पास तो कोई बच्चा नहीं आया लेके अब तक कि जी मैं हमने कर लिया, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों ने किया या नहीं किया। अच्छा जी, ये कोड वाला समझ आया। अच्छा यहाँ देखिए बेटा, राइट द नंबर्स डेट मैच ईच नेम, ठीक है ना, आपको ये आपके पेज नंबर 9 पे गिवन है। ठीक है ना बेटा, ये आपके पेज नंबर 9 पे गिवन है। ठीक है, आपको दिया हुआ है टी एच एच टी ओ, ओ स्टैंड फॉर वंस, टी स्टैंड फॉर टेंस, एच स्टैंड फॉर 100 एंड टी एच स्टैंड फॉर 1000। ठीक है ना, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड। पहले मैंने आप लोगों को ये बताया था फर्स्ट वाली क्लास में, ठीक है, कि आप लोगों को जो है वो नंबर्स लिखने हैं, आपको काउंट करना है, पहले जो वंस पे आ रहा होगा उसको वंस के साथ लिखना होगा, जो टेंस पे आ रहा होगा उसको टेंस के साथ लिखना होगा। ठीक है, इन वर्ड्स में, बगैर इस मतलब आपको इन वर्ड्स काउंटिंग पूरी लिख के दी हुई, आपको खाली उनको पढ़ते हुए अपना नंबर लिखना है। ठीक है, नंबर वन है टू थाउजेंड, थ्री
2,366, ठीक है। अच्छा अब देखिए, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, थाउजेंड पे क्या आ रहा है जरा पढ़िए यहाँ पे, टू थाउजेंड, इट्स मीन थाउजेंड पे क्या आ रहा है, टू। तो आपने थाउजेंड के नीचे क्या लिख दिया, टू, थाउजेंड के नीचे क्या लिख दिया, टू। उसके बाद है टू थाउजेंड के बाद पढ़िए थ्री हंड्रेड, थ्री हंड्रेड, यानी कि हंड्रेड के साथ क्या आ रहा है, थ्री। तो आपने हंड्रेड के नीचे क्या लिख दिया, थ्री। एंड सिक्सटी सिक्स, सिक्सटी सिक्स, यानी कि ये आपका क्या हो गया, टेंस हो गया सिक्सटी, और सिक्स क्या हो गया, वो आपका वंस हो गया। तो आपने क्या लिख दिया, टेंस वंस के नीचे सिक्सटी सिक्स, क्या लिख दिया बेटा, सिक्सटी सिक्स। बहुत इजी है, पहले करवा चुकी हूँ पहले वाली क्लास में, आप लोगों ने किया है या नहीं किया मुझे नहीं पता, अगर किया है तो मुझे सबमिट करवाइए, मुझे ला के दीजिए, नहीं समझ आता तो बार बार पूछिए। बार बार कह रही हूँ आज की क्लास में कि कॉपीज परचेज कीजिए, बुक्स परचेज कीजिए, बुक्स से क्वेश्चन देखिए, कॉपीज में कीजिए। जो मैं स्लाइड्स बना रही हूँ, जैसे ये भी आपके सामने स्लाइड खुली हुई है, इस स्लाइड को अपनी सी डब्ल्यू कॉपीज में उतारना है, और जो असाइनमेंट दूंगी वो अपनी एच डब्ल्यू कॉपी में उतारना है। वैसे तो स्लाइड इतनी देर खुली रहती है कि आप आराम से उतार सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो कि आपको लगता है नहीं मिस ने आगे स्लाइड कर देंगी और हमारा काम पूरा ना होगा, तो अपने जब मोबाइल में स्लाइड ओपन हो तो आप लोग स्क्रीन शॉट ले लें, फिर बाद में इसको आराम से उतार लीजिए। मम्मा और बाबा की हेल्प ले सकते हैं काम करने में, बट पूरा पूरा उनसे ना पूछिएगा, ठीक है, ये चीटिंग हो जाएगी। अच्छा अब नंबर टू देखिए, 5,604, ठीक है, थाउजेंड के साथ क्या है, फाइव, थाउजेंड के साथ क्या है, फाइव। तो आपने थाउजेंड के नीचे क्या लिख दिया बेटा, फाइव, सिक्स हंड्रेड, सिक्स हंड्रेड, ठीक है, हंड्रेड के साथ क्या है, सिक्स, हंड्रेड के साथ क्या है, सिक्स। तो आपने हंड्रेड के साथ क्या लिख दिया, नीचे सिक्स, ठीक है। एंड फोर, अब देखिए अब डायरेक्ट ये फोर पे आ गए, इट्स मीन वंस पे आ गए, यहाँ पे इन्होंने टेंस का कुछ भी गिवन नहीं है। तो जब कभी कोई नंबर हमें गिवन ना हो तो हम उसकी जगह क्या लगा देते हैं, जीरो। टेंस में जब कुछ भी गिवन नहीं है तो हम क्या लगा देंगे, जीरो। टेंस में जब कुछ गिवन नहीं है तो हम क्या लगा देंगे, जीरो। तो हमने टेंस की जगह क्या लगा दिया, जीरो, और वंस की जगह आखिर में हमने क्या लिख दिया, फोर। वंस की जगह हमने क्या लिख दिया बेटा, फोर, ठीक है। तो ये क्या बना, 5,604। अच्छा जी नंबर थ्री देखिए, 9,052, ठीक है। अब इसमें से नाइन के साथ क्या है, थाउजेंड के साथ क्या है, नाइन, थाउजेंड के साथ क्या है, नाइन। तो आप क्या करेंगे, नाइन को आप लिख देंगे थाउजेंड के साथ, उसके बाद आप देखें 9,052, यहाँ पे हंड्रेड का कोई जिक्र नहीं है, हंड्रेड के साथ कोई नंबर गिवन नहीं है, तो हमने हंड्रेड की जगह क्या लगा दिया, जहाँ हंड्रेड के साथ कोई नंबर नहीं है तो हमने क्या लगा दिया, जीरो, क्या लगा दिया, जीरो। एंड फिफ्टी टू, फिफ्टी टू, तो ये आ गया आपका टेंस, आ गया आपका फिफ्टी, और वंस आ गया आपका टू, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 9,052। नंबर फोर देखिए, 7,120। अब यहाँ देखिए थाउजेंड के साथ क्या गिवन है आपको, सेवन, थाउजेंड के साथ क्या गिवन है, सेवन। तो थाउजेंड के साथ सेवन गिवन है, तो आपने थाउजेंड के नीचे क्या लिख दिया, सेवन, क्या लिख दिया, सेवन। उसके बाद वन हंड्रेड, वन हंड्रेड, तो आपने हंड्रेड के साथ क्या गिवन है, वन, तो आपने हंड्रेड के नीचे क्या लिख दिया, वन। एंड 20, 20 मतलब 2020, ठीक है ना। तो ये 20 जो है वो आपका क्या आ गया, टेंस के साथ आ गया, और वंस में आपको कुछ भी गिवन नहीं था तो आपने जीरो लिख दिया। तो देखिए वैसे भी वंस में कुछ गिवन नहीं है तो आपने जीरो लिख दिया, और अगर आप 20 भी देखा जाए तो 2020 ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो 7,120, कोई मुश्किल नहीं है, पहले जो है वो नंबर्स दिए हुए थे फर्स्ट वाली क्लास में, और आपको इस तरह इनवर्ड्स में लिखना था, आज आपको इनवर्ड्स लिखा हुआ और आपको नंबर्स में लिखना है। आपका असाइनमेंट नोट कर लीजिए, असाइनमेंट दो सवाल असाइनमेंट में, पहले में आपको पेज नंबर फाइव है उसका आपको क्वेश्चन नंबर थ्री करना है, ठीक है। मैं उस क्वेश्चन के बारे में आपको थोड़ा सा हाउ टू नो दे देती हूँ, लेकिन करना वो आपने खुद है। होमवर्क कॉपी में जो है वो टाइटल पेज बनाना है चैप्टर का, आपको चैप्टर का नाम है नंबर्स, उस मिड टर्म का टाइटल पेज बनाना है, चैप्टर का नाम बताना है, और क्वेश्चन नंबर वन डाल के अपना असाइनमेंट करना है, इससे पहले वाला असाइनमेंट भी करना है। क्लास मिस करेंगे, असाइनमेंट मिस करेंगे तो अपना नुकसान जाएगा बेटा आप लोगों का।
अच्छा क्वेश्चन नंबर थ्री है बेटा, यहाँ पे पेज नंबर फाइव पे, लुक एट द रूम सिंबल्स ऑन पेज फोर, यूजिंग द टू सिंबल रूल्स मेक अ चार्ट शोइंग ऑल द रोमन नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। आपको जो है वो जैसे मैंने चार्ट बनाया हुआ था जो मैंने पिछली क्लास में दिखाया था, ठीक है ना, 1, 2, 3, 4 ऐसे आपको 1 से लेके 100 तक का चार्ट बनाना है, ठीक है, कि 2 को कैसे लिखते हैं, 3 को कैसे लिखते हैं, 4 को कैसे लिखते हैं, 5 को कैसे लिखते हैं, ठीक है, बहुत इजी है। एक अगर 1 से 10 तक आपको समझ आ गया है, वो मैंने चार्ट गिवेन है इस क्लास में, नहीं इस क्लास में भी खोल के दिखाया है, प्रीवियस क्लास में तो पूरा उसी को एक्सप्लेन किया था, तो दोनों क्लास को खोलें और खोल के उसमें से देखें। अच्छा जी, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में चार सवाल मैंने अभी आपको करवा दिए हैं, ये वाले, ठीक है ना, 1, 2, 3, 4। इसके बाकी के जो चार हैं ई से लेके एच तक, ये पेज नंबर 9 पे गिवेन है, ये आपको करने हैं, ठीक है ना, इसी तरह करने हैं जैसे ये मैंने किया हुआ है। 1000 के इंचे 1000 वाला लिख के शो करेंगे, 100 के इंचे 100, 10 के इंचे 10 और 1 के इंचे 1, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, उसी तरह इनवर्ड्स में आपको लिखा हुआ होगा और आपको नंबर्स में लिखना होगा। बार बार कह रही हूँ, आप लोग जो है वो हमें अपना असाइनमेंट नहीं दे रहे। अच्छा देखिए, मैं आपको दोबारा बेटा वो चार्ट खोल के दिखा देती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको उस तरह जो है वो चार्ट ही अपना बनाना है, ठीक है, देखिए इस तरह आपने चार्ट बनाना है अपना, ठीक है, अरेबिक लिखना है एक जगह रोमन लिखना है, एक जगह 1 से 100 तक लिखना है, पूरा काम एक दिन में नहीं करना, आपके पास टाइम है, आप आराम आराम से कर सकते हैं 3-4 दिन में। 1 से लेके 10 तक लिखें, 1 से लेके 20 तक लिखें, ठीक है, इस तरह चार्ट बना लें, उसके बाद एक में अरेबिक की हेडिंग डालें, एक में रोमन की हेडिंग डालें, ठीक है, 10 तक लिखें फिर करें, फिर 20 तक करें फिर करें, फिर 30 तक करें, फिर 40 तक करें, इस तरह करें, जहां पे आपको जो लगे कि जो अरेबिक आपको रोमन में चेंज करना नहीं आ रहा वो आप अपने पास नोट करें, ठीक है, जब मैं नेक्स्ट क्लास लूंगी तो आप मुझे चैट में लिख के बताएंगे कि मिस हमें ये वाला अरेबिक रोमन में करना नहीं आ रहा, लेकिन मुझे पता तभी चलेगा बेटा जब आप लोग अपने आंसर्स मुझे दोगे, जब आप अपना रिएक्शन मुझे दोगे, जब आप मुझसे पूछोगे, ठीक है ना, आपको हर चीज प्रॉपर मुझे काम चाहिए बिल्कुल उसी तरह, ये नहीं कि हम घर में कर रहे हैं तो अपनी मर्जी से कर ले, ऐसा नहीं होगा, जैसे स्कूल में करते थे उसी तरह करेंगे आप लोग, ठीक है, जब तक कल तक परसों तक 2 दिन में 3 दिन में आप ये काम कर लीजिएगा, ठीक है, फिर इंशाल्लाह जो है वो मैं आप लोग को इसके आगे का बताऊंगी, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम होगी मुझसे पूछिएगा कि मैं समय ये चीज समझ नहीं आ रही, ठीक है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, साफ साफ काम करिएगा, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से नेक्स्ट मीटिंग में हम मिलते हैं, ठीक है, अल्लाह हाफिज।